कुम्हारी फ्लाईओवर हादसे में परिजनों को खो चुकी अनु देवांगन को ठेका कंपनी ने 15 लाख रुपए का चेक गुरुवार को सौंपा। हादसे के बाद अनाथ हुई अनु की पढ़ाई एवं अन्य जरूरतों के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कर रही कंपनी रॉयल इंफ्रा के प्रबंधक ने कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा व एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव की उपस्थिति में अनु को 15 लाख रुपए की राशि का चेक सौंपा। गौरतलब है कि 10 दिसंबर की रात को कुम्हारी फ्लाईओवर के अधूरे छोर से गिर जाने के कारण बाइक सवार पति पत्नी आजूराम व निर्मला देवांगन की मौत हो गई थी। हादसे में उनकी बच्ची अनु देवांगन बच गई थी। अब इनके सामने भरण पोषण की समस्या थी। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इस संबंध में कंपनी के प्रबंधन से चर्चा की और उन्हें बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी उठाने कहा। अधिकारियों ने प्रबंधन से कहा कि फ्लाईओवर के निर्माण की अनुबंध शर्तों में सुरक्षा संबंधी सभी बातों का पूरा ध्यान रखना शामिल था। कंपनी की लापरवाही के कारण यह गंभीर हादसा हुआ है। इस हादसे में बच्ची ने अपने माता पिता को खो दिया और अब उसके सामने परवरिश की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। इसके लिए उसके परवरिश का खर्च कंपनी उठाए। इस पर चर्चा के पश्चात प्रबंधन ने 15 लाख रुपए देने की स्वीकृति दी थी। सर, अभी प्रशासन की तरफ से एक अच्छी पहल हुई है और बच्ची को एक चेक दिया गया है जिसके बारे में भी आप लोगों से जानकारी मिली है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी सर कि बच्ची तो अभी नाबालिग है, तो उस चेक का कैसा प्रोसेस हो रहा है सर? अभी जो सिस्टम कर रहे हैं, बच्ची से भी बात हुई है, उनके परिवार वालों से बात हुई है, तो बच्ची के संरक्षक कौन रहेंगे इसके ऊपर अभी निर्णय लिया गया है। बच्ची का जहाँ मन है उन्हीं के पास में बच्चे को रखा जाएगा और बच्ची ने इच्छा व्यक्त की है कि अपने मामा के साथ में रहेंगी और उनका वो लीगल प्रोसेस अभी हम कर लेंगे और जो बच्ची जब 18 साल की होगी तब उनको मूलधन मिल जाएगा। जो ब्याज की राशि है वो हर महीने बैंक से इनके घर पे आ जाएगा, मतलब बैंक से इनको मिला करेगी ताकि बच्चे का जीवन यापन हो सके, उसके साथ में ताकि बच्चे को अपने जीवन में कभी दिक्कत ना रहे। तो अभी स्कूलिंग के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी ये जिस जगह पे रहेंगी वहाँ पे जो सबसे अच्छी स्कूल रहेगी वहाँ पर बच्चे का भी एडमिशन अभी कुछ दिनों में हम करा देंगे और बच्चे के साथ में निरंतर हम संपर्क रहेंगे ताकि किसी भी तरह की कभी कोई दिक्कत नहीं रहे और बीच बीच टीम भी जाकर चेक करती रहेगी कि बच्ची सही स्थिति में पले बढ़े। सर, बच्चे का गार्जियनशिप प्रशासन ही रहेगा? अभी नहीं, बच्ची का जो गार्जियनशिप है उसके लिए अभी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। बच्ची जिनके साथ में रहना चाहती है, परिवार के नज़दीकी जो लोग हैं, बच्ची ने इच्छा व्यक्त की है अपने मामा के साथ में रहने के लिए, तो वही उनके संरक्षक रहेंगे। पर प्रशासन बच्ची की स्थिति के ऊपर और समय समय पर हमारी टीम भी जाकर देखती रहेगी कि बच्ची की स्थिति कैसी है। जैसे मैंने बताया, स्कूलिंग का पूरा ध्यान रखेंगे और किसी तरह की कहीं कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल सारी चीज़ों पर प्रशासन ध्यान रखेगा। थैंक यू सर। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।